हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हॉस्टल ना होने की वजह से छात्र विश्वविद्यालय से दूर किराए के कमरे में रहने को मजबूर हैं। जहां उन्हें भारी भरकम किराया तो देना ही पड़ता है, तो वहीं पर्याप्त सुविधाएं भी छात्रों को मुहैया नहीं हो पाती। ऐसे में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने सरकार से मांग की है कि इस तरफ ध्यान दे और छात्रों को पेश आ रही समस्याओं का कोई हल निकाले। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम विधाता है एंड आई एम फ्रॉम डलहौजी डिस्ट्रिक्ट चंबा एंड मैं अभी यहाँ पे HP हूँ। कोर्सेज में एडमिशन्स तो है, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहा हूँ कॉम्पिटेटिव की। फ्रस्ट्रेशन लेवल तो आपको सबको पता है कि काफ़ी हाई है इस टाइम, काफ़ी, जैसे कि एक स्टूडेंट को आजकल क्या फेस करना पड़ रहा है। अलॉन्ग विद डैट, जब इनिशियल स्टेज थी 2012 से लेके 17-18 तक का, तो तब ऐसे की जॉब्स भी आ रही थी, स्टडी भी कर रहा था, सब कुछ रिसोर्सेज थे। जैसे लॉकडाउन हुआ है तो जो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल इश्यूज है वही सफाई नहीं कर रहे, हर जो एक्चुअली जो स्टेट्स है जितने स्टूडेंट्स से लेके एम्प्लॉयज से लेके सब सफ़र कर रहे हैं। अगर हम अपने सफ़र नामे की बात करें, हम जो हम सफ़र कर रहे हैं, जैसे हम हमारे रूम है, तो वहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि डिमांड एंड सप्लाई में चलती कोई बात, आप इकोनॉमी में चल जाओ कंट्री, डिमांड एंड सप्लाई ही चलती है। अब शांति में देखो, शांति में अगर रूम एक खाली हो रहा है तो अपने हिसाब से आप, तो ऐसा तो है नहीं कोई कि म्यूनसिपैलिटी ने शांति में स्टूडेंट्स के लिए कोई कमेटी बनाई हो, उस कमेटी के थ्रू वहाँ से डिसाइड किया जा रहा है कि हाँ रूम के रेंट कितने होने चाहिए, पर्टिकुलर फाइनेंशियल इतनी स्टेटस रहना चाहिए, पर नहीं, आप वहाँ पर ऐसा है कि रूम कम है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, जो भी जो मैक्सिमम जितने भी ठीक है तगड़े वो बाहर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, दिल्ली हो गया, बाहर चल जाएंगे, पर यहाँ पर वही आता है कि जो मतलब सर्वाइव करना चाहेगा या जिसके पास है नहीं कुछ भी। और तो क्या, और गवर्नमेंट से चेक करेंगे कि जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इतना क्राउड हो चुका है बच्चों की, कुछ नहीं है उनको करने के लिए, कोई जॉब्स नहीं, कभी कोई कुछ नहीं है। एग्जाम्पल दिया जाए तो पब्लिक सर्विस कमीशन है, कितने टाइम हो गया कि कोई पोस्ट नहीं आ रही वहाँ पे भी, एलाइड देख लो 4 साल हो गए कोई पोस्ट नहीं है, 14 साल स्टार्ट हो गए, अब क्या बोलें। और ऊपर से बोर्ड सस्पेंड किया हुआ है, हमारे माननीय जो क्या मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने भी बोला था कि क्या बोलते 60 डेज में सब कुछ हो जाएगा, क्लेरिफाइड हो जाएगा, पर आज देखो 60-75 डेज हो गए। नमस्कार, मेरा नाम नितिन है और मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं इस विषय में बात करना चाहूँगा कि जो मैम शांति में जो छात्र रह रहा है वो बहुत दयनीय स्थिति में रह रहा है। मैम आप वहाँ देखेंगे कि कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, हालांकि ये जो कंडीशन है ये पूरे भारत की है। शिमला में भी अगर आप देखेंगे कि जो अंग्रेज है उनकी टाउन प्लानिंग दिखते हैं जो गिरिज की है, उसके अलावा आप राम बाजार नीचे आ जाओ, उसके नीचे आप लद्दाखी मोहल्ला आ जाओ, पूरे हाल बहुत ही दरिद्र मतलब दयनीय स्थिति में लोग रह रहे हैं। तो अगर मैं वहाँ शांति की बात करूँ मैम, चिपक चिपक के लोगों ने घर बनाए हैं एक साथ, कोई टाउन प्लानिंग नहीं, कोई गवर्नमेंट के निर्देश नहीं कि आपको इतना गैप रखना ही है, सनलाइट आपको नहीं आ रही है वहाँ पे। एक बार का मैम आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, मेरे साथ एक दोस्त आया था, पहले मैंने भी कमरा लिया था, मैंने PG लिया है, PG मेरा बहुत अच्छा है और रेंट भी वहाँ का मैम उन्होंने जायज रेट लगाया है, और जो मैम कमरे है 5-6 हज़ार रुपये बच्चों से लेते हैं कमरों के, ना तो वहाँ पानी अंदर आता है मैम, वॉशरूम में आता है खाली, 1200 के नलके उन्होंने तोड़े हुए हैं, कम्युनिटी का एक कॉमन नलका रखा है, तो मैम ना तो वहाँ पानी आता है। और मेरा दोस्त उठा एक बार रात को, तो बाहर जा रहा है वो, मतलब भाई बाहर क्यों जा रहा है, तो देखने जा रहा था कि दिन के 2 बज रहे हैं कि रात के 2 बज रहे हैं, घड़ी में तो पता नहीं लगता कि 2 किस समय के बज रहे हैं, तो अंधेरा है रूम में। मैम ये बात है कि स्टेट क्यों ओरिजिन में आया था, स्टेट से हमने अधिकार मांगे थे, जो हमारे से स्टेट ने वादा किया था Article 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड लिव लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी में हमारे को सनलाइट एयर ये सब कुछ वादे किए गए थे। आज शांति में आपको ऐसी कंडीशन पूरे भारत की, दिल्ली में आप कनॉट प्लेस को छोड़ के आप बाहर जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप बाहर को छोड़ के कमला नगर जाओ, बंद यही स्थिति है, ये स्थिति जो शांति की स्थिति है मैं कहता हूँ पूरे भारत की स्थिति है। आम आदमी को अपनी जेब से जो कि बहुत मुश्किल से पढ़ने आता है वो बहुत, उसको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है मैम, यहाँ पे हॉस्टल छोड़ के वो कमरों के लिए अपना कमरा खर्चा उठा रहा है, क्योंकि हॉस्टल मिलेगा सब्सिडाइज सीट पे खाली 3-4 बच्चों को, तो यहाँ 6 हज़ार रुपये दे रहा है वो, मन मर्जी का किराया ले रहा है, मर्जी का किराया लेने के बाद उसको फैसिलिटी नहीं मिलती मैम, वो बीमार हो रहा है, विटामिन डी की कमी पाई गई यहाँ पे कई छात्रों में, हर साल ये पाई जाती है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति, यानी कि स्टेट अपना वादा पूरा करे। मैं यूँ नहीं कह रहा कि हम निजीकरण का विरोध करते हैं, पर स्टेट इंटरफेयर तो करे कि आप टाउन प्लानिंग क्या होगी, आज हमारे जो शहर हैं उनमें टाउन प्लानिंग क्या है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वो गरीब परिवार का, जो कोटखाई कोटगढ़ क्षेत्र के लड़के हैं वो जा रहे हैं मैक्सिमम चंडीगढ़ या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको हॉस्टल भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप उनको भी रूम वो उसका जो खर्चा है वो अपनी हेल्थ में लगाने की बजाय वो दे रहा है। शांति जैसे एक मतलब स्लम एरिया कहूँगा मैं इसको, तो
उसमें रेंट दे रहा है वो। तो मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट कुछ तो रूल्स फोर्स करे अपनी तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से इसको PIL में डाला जाए और ये रूल लगाया जाए कि इतना मिनिमम रेंट आप छात्रों से लेंगे इससे, और एक मैक्सिमम लिमिट और एक मिनिमम लिमिट लगाई जाए, उसमें भी फैसिलिटीज डिसाइडेड की जाए, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि हेल्थ एक्सपेंसेस भी छात्रों को लेके स्टेट की तरफ से फंड हो। और मैं हालांकि इस विषय पे जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, उन्होंने कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि वो वाटर पे भी एक मुद्दा उठाएंगे कि उसको प्योरीफाई करेंगे, ये सब कुछ बातचीत इसको लेके हुई है, जिसके लेकर हम धन्यवाद रहते हैं, क्योंकि वाटर का भी एक मेजर इशू है, बहुत ही कंटेमिनेटेड वाटर आता है। और ये जो इशू है मैंने आपको बताया सांटी का, ये एक डिजास्टर को लेके भी इशू है। जिस हिसाब से मकान यहाँ बनाए गए हैं, लास्ट ईयर आपने देखा कि मकान गिरा, तो अगर कुछ अर्थक्वेक वगैरह आता, सिस्मिक जोन पे है ये हमारा जो शिमला है, अगर यहाँ भूकंप आता है तो कई छात्रों की जान यहाँ पे जाएगी, जिसकी जिम्मेदार यहाँ की मतलब कि जो एक अनप्लान टाउन प्लानिंग है, जो कि अनप्लान्ड है, उसकी जिम्मेदार वो होगी। और स्टेट को भी इस पर कुछ इंटरफेयर करना चाहिए मैम कि कैसे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान जो कि सेंटर की एक बहुत अच्छी पहल थी वो भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।